नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। अपने कर्म से दिखाना है सबको, खुद का पनपना, उभरना है खुद को। गीत की इन पंक्तियों को अपने जीवन में उतार के दिखाया है राजस्थान की रहने वाली पारो ने। भले ही समाज में अल्पसंख्यकों के लिए अनगिनत योजनाएं बन गई हों, मुस्लिम परिवारों की बेटियों के लिए तालीम आज भी एक सपना है, विशेषकर गरीबी की मार झेल रहे परिवारों के लिए, क्योंकि रोजगार की तलाश में बच्चे स्कूल से दूर हो जाते हैं। लेकिन जयपुर की इस बेटी ने दोनों काम एक साथ किए। मिलिए छोटी सी उम्र में बड़ा काम करने वाली इस अखबार बांटने वाली हॉकर से। दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी तरफ खींचने वाला ये जयपुर का सिटी पैलेस है। समृद्ध ऐतिहासिक विरासत का गवाह और राज्य रजवाड़ों की शान का प्रतीक। लेकिन सिटी पैलेस में रहने वाले राज परिवार को दुनिया से रूबरू कराने का काम पारो करती है। सिटी पैलेस सहित पूरे इलाके को ताजा खबरें पहुंचाने वाली ये जयपुर की अकेली लड़की है जो हॉकर है और इस ऐतिहासिक इमारत की तरह ही अपने पिता की विरासत को सहेज रही है। 9 ईयर्स की थी उस टाइम पर, पापा की डेथ हो गई थी। उसके बाद पापा के साथ में ही पेपर बांटने आती थी उस टाइम, तो फिर उसके बाद मुझे ही इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ी। साल 2000 में पिता की मौत के बाद 9 भाई बहन और माँ के सामने आजीविका एक बड़ा सवाल था। परिवार ने अखबारों की साइट बेचकर पैसा कमाने की सलाह दी, लेकिन 10 साल की पारो ने साफ मना कर दिया। आमदनी का एकमात्र जरिया बंद करने की बजाय वो अपनी बुआ को साथ लेकर दुकानों पर जा पहुंची और अक्टूबर 2000 में शुरू हुआ एक छोटी सी बच्ची का जयपुर की सड़कों पर नया सफर। जब मैंने न्यूज़पेपर बांटना स्टार्ट किया था, जब मैं 4th क्लास में थी, उस टाइम मेरा 1-2 पीरियड निकल जाते थे जब मैं स्कूल जाया करती थी। फिर उसके बाद मैं जी वहाँ से परमिशन मना कर दी थी, परमिशन नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, आप है ना कहीं और दूसरा स्कूल देख लें। 10 साल की बच्ची वीरान सड़कों पर अखबार बांटे, ये समाज को मंजूर नहीं था। लेकिन पारो का एक ही सवाल था, रोटी कौन देगा, और इसका जवाब किसी के पास नहीं था। ऐसे में माँ ने बेटी का हौसला बढ़ाया। मस्जिद की अजान पारो की मार्गदर्शक बनी। गर्मी की तपिश हो या ठंड की ठिठुरन, बापू बाजार के लिंक रोड पर पारो की साइकिल हमेशा वक्त पर पहुंची है। मुझे न्यूज़पेपर बांटते हुए 13-14 साल हो गए। रहमानी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहां मैंने परमिशन ली। उन्होंने मुझे परमिशन दी 1 घंटे लेट आने की। मेरे पीरियड मिस हो जाते थे, फिर भी मुझे टीचर मुझे हेल्प करते थे। वहां से मैंने 12th क्लास कंप्लीट की, उसके बाद महारानी कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। मुस्लिम समाज की इस बेटी ने सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटे तो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी शिद्दत से की। महारानी कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद अब वो बतौर कंप्यूटर ऑपरेटर काम करती है। तो छोटी सी बच्ची के इतने सारे प्रयासों के बीच भी मामा चाचा समाज के डर के नाम से हमेशा सीमाओं में रहने की सलाह देते हैं। मनोबल बढ़ाने की बजाय रोक टोक और जकड़न में बांध कर रखना चाहते हैं, और पारो इन सब सीमाओं के बीच अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए परिवार को आगे बढ़ा रही है। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। पारो के जैसे न जाने कितनी बेटियां हैं जो हालात के अंधकार में घिरी हुई हैं, लेकिन हिम्मत हारने से बेहतर है पारो की तरह हौसले से कदम बढ़ाना और हर कदम पर संघर्ष के दीप जलाना, तभी सफलता का मुकाम हासिल किया जा सकता है। तो कल आपको मिलवाएंगे सफलता का पर्याय बनी हुई देश की पहली महिला IPS ऑफिसर किरण बेदी से। बस आप देखते रहिए अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजिए।